मेरठ थाना लसाड़ी गेट क्षेत्र के शाहजहां कॉलोनी गली नंबर 2 का एक मामला सामने आया है, जिसमें मौजूदा पार्षद कयूम के दामाद की पिटाई उसी के बहनों और पिता ने जमकर की, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित उवेश पुत्र जहीर निवासी शाहजहां कॉलोनी ने बताया कि मेरा अपने परिवार से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, जिसमें आज मेरी बहनों और मेरे पिता ने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरे सिर में पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया, जिससे उवेश गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी शिकायत लेकर पीड़ित थाने पहुंचा, जहां उसके सास ससुर होने के नाते मौजूदा पार्षद ही पहुंचा। आने जमाई उवेश को न्याय दिलाने के लिए तहरीर दी, लेकिन पीड़ित युवक के साथ पुलिस ने पार्षद को देखते हुए आग बबूला हो गए। संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। जी मेरा नाम मोहम्मद उवेश है। जी मेरे घर में काफी दिन से विवाद चल रहा था, किसी किसी को बात ढाल ढाल के मेरी वाइफ को उल्टा सीधा बोलना, परिवार में ऐसे ही हो रहा था। तो मैं काफ़ी दिन से बर्दाश्त भी कर रहा था। अब कुछ दिन से मेरी बड़ी बहन आई हुई थी सरदाने से, जो सरदाने में भी आई है। अब वो जो आई हुई थी, उनने आके सबसे पहले तो ये काम करा, भाई हमारी माँ है नहीं, माँ को हो गया 7-8 साल एक्सपायर हो गई। अब जो बर्तन उनके रखे थे वो सब उनने बेच दिए। मैं तब भी चुप रहा, मैंने यार चलो कोई नहीं, घर में राड़ नहीं होनी चाहिए। अब सुबह मैं काम पे जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था अपनी, अब वो गेट हमारा छोटा सा ही है, उसमें ही वो फ्रेम लगा के बैठी थी। अब जब मैंने गाड़ी निकाली तो वो गिर गया। अब उसके ऊपर वो उल्टा सीधा बोलने लगे। मैंने उन्हें मना करा, मैंने भी क्यों, मैं राड़ करना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, क्यों कर रहे तुम ऐसा व्यवहार। अब बस इतनी देर में मैंने वो बाहर को गाड़ी ऐसे मोड़ी थी कि पीछे से जो सरदाने से आई हुई उसने उठा के इतना बड़ा पत्थर मेरे सर पर मारा, जिससे मैं लहूलुहान हो गया। फिर मुझे नहीं पता, दूसरी बहन आई, उन्होंने आकर लठियाँ मारनी चालू कर दी मेरे में। बस वे किसी तरीके से ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से मैं घर छोड़ दूँ अपना। और फिर मैंने मैं पुलिस में गया या 112 पे मैंने फ़ोन किया, पुलिस आई भी, लेकिन उन्होंने कुछ खास कार्रवाई नहीं करी। बोले डॉक्टरी के लिए जाओ, पहले थाने जाओ। अब थाने गए हम, अब हमारे ससुर साहब हैं कयूम पार्षद, अब वे गए, उनसे भी बहुत बदसलूकी करी पुलिस वाले ने। उसका नाम था राजेश कुमार और उसने बहुत बदतमीजी से पेश आया वो हमारे ससुर साहब से। अभी किसी की अरेस्टिंग भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हो पाया। जी हाँ, थाने पर मैंने तहरीर दे दी है और मेरी डॉक्टरी भी हुई है। अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ और घर पर अभी पुलिस वगैरह कोई गया ही नहीं। पता नहीं पुलिस वाले को क्या बात बुरी लगी, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, वो सिर्फ ये बोल लेते जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बस इतना ही कहा उन्होंने कि वो पुलिस वाला बुरी तरह भड़क गया। वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगा कि तुम नेता हो, कहें के नेता हो, तुम्हारी नेतागिरी 2 मिनट में निकाल दूंगा, ये है वो। बहुत उल्टा सीधा बका उनने, बहुत ज़्यादा उन्हें जलील करा। मतलब जो एक पार्षद को इज्जत मिलनी चाहिए, उनने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अच्छा, पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की आपके साथ? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। जी तहरीर तो दे दी मैंने। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन